माई सेल्फ अवनीस तिवारी असिस्टेंट प्रोफेसर इन सिविलिंग इन डिपार्टमेंट एट श्री रामस्वरूप मेमोरियल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड एंड मैनेजमेंट लखनऊ टूडे इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू जस्ट इस्टीमेट द कैपेसिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन रिजर्वायर सो हम क्या करने वाले यहाँ पे इस लेक्चर में हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन रिजर्वायर की कैपेसिटी इस्टिमेट करने वाले हैं और जो इस्टिमेशन है बेसिकली uh, वो किस मैथड को यूज करते हुए है तो उस पर्पज़ के लिए हम लोग मास्क मैथड यूज करने वाले हैं तो बेसिकली अगर हम एक छोटा सा uh, ओवरव्यू ले लें मास्क मेथड क्या था तो इसमें क्या किया था हम लोगों ने एक कर्व प्लॉट किया था जो कर्व किसके बीच था यहाँ पे हम लोगों ने कमोलेटिव वैल्यूज़ कंसीडर की थी आपकी इनफ्लो और आउटफ्लो की यहाँ पे आपका टाइम था इसके बाद हमने क्या किया था एक सप्लाई लाइन प्लॉट की थी और एक डिमांड लाइन प्लॉट की थी अगर हम जिस कर्व की बात करें तो यही कर्व हम लोगों ने लेक्चर के टाइम में देखा था तो यहाँ पर हम लोगों ने इस ऑर्डिनेट को इस्टीमेट किया था और उस ऑर्डिनेट को ऐड करने के बाद हमें जो है कैपेसिटी मिल गई थी कि रिक्वायर्ड स्टोरेज कैपेसिटी क्या होगी सो so, जस्ट इन इन्हीं मेथड्स को यूज़ करके हम क्या करने वाले हैं कैपेसिटी को एस्टिमेट करने वाले हैं और उसके लिए जस्ट हम लोग दोनों जो आपके कॉन्टिनस सप्लाई है मीनस आपका पम्प ट्वेंटी फोर आर के लिए ऑपरेट कर रहा है तो उससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल डिस्कस कर लेंगे और आपका जब सप्लाई लिमिटेड टाइम्स के लिए मीस हम बोल सकते हैं कि वो कुछ भी हो सकता है मीन लेस देन ट्वेंटी फोर आर है तो उसके रिलेटेड भी एक न्यूमेरिकल डिस्कस कर लेंगे सो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट न्यूमेरिकल तो फर्स्ट न्यूमेरिकल क्या कहता है बेसिकली अ टाउन विद अ पॉपुलेशन ऑफ वन मिलियन हमारे टाउन है जिसकी पॉपुलेशन दे रखी हुई है वन है हैज़ अ कंटिन्यूस वाटर सप्लाई मीन्स यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल रहा है कि जो वाटर सप्लाई है वो क्या है ट्वेंटी फोर आवर के लिए 24 hour water supply है ट्वेंटी फोर आवर वाटर सप्लाई है एंड एवरेज सप्लाईज टू सेवेंटी एल पी सी डी मीन्स जो वहाँ की सप्लाई है उसकी एवरेज वैल्यू है टू हंड्रेड सेवेंटी लीटर पर कैपिटा पर डे ओके द वाटर सप्लाईड बाई डायरेक्ट पंपिंग अब क्योंकि बोला क्या जा रहा है वाटर जो सप्लाई किया जा रहा है डायरेक्ट पंपिंग से किया जा रहा है इट मीन्स अगर सप्लाई कैसी है कॉन्टीन्यूअस है और सप्लाई किससे की जा रही है पंपिंग से की जा रही है इट मींस जो आपका पंप है वो कैसे ऑपरेट करेगा ट्वेंटी फोर आवर्स के लिए ऑपरेट करेगा द टोटल सप्लाई ऑफ टू सेवेंटी एल पी सी डी जो हमारा टू हंड्रेड सेवेंटी एल पी सी डी है उनको फेज किया गया है और वो फेजड फॉर्म क्या है जब हमारा टाइम फाइव ए एम टू इलेवन ए एम है उस केस में हम जो वाटर की सप्लाई कर रहे हैं दट इज़ नाइन्टी एल पी सी डी इलेवन ए एम टू थ्री पी एम के बीच में जो हमारी सप्लाई है दैट इज़ फिफ्टी फोर लीटर पर कैपिटा थ्री पी एम टू नाइन पी एम की बात करेंगे तो उस केस में आपका जो सप्लाई है दैट इज़ एटी वन लीटर पर कैपिटा नाइन पी एम टू ट्वेल्व मिड नाइट के केस में आपका जो सप्लाई है दैट इज़ ट्वेंटी सेवन लीटर पर कैपिटा एंड ट्वेल्व मिड नाइट टू फाइव फाइव ए एम उस केस में आपका 18 जो है लीटर पर कैपिटा का जो सप्लाई है मीन हम कुछ इस तरीके से मीस हम यूनिफॉर्म सप्लाई uh, नहीं दे रहे हैं मीनस जो हमारी रिक्वायरमेंट है वो कितनी है नाइन्टी फिफ्टी फोर एटी वन ट्वेंटी सेवन एटीन अब जो ये वाटर की सप्लाई की जा रही है किससे की जा रही है पंप से की जा रही है? है तो ऑबियस बात है पंप है वो यूनिफॉर्म रेट पे ऑपरेट करेगा सो वाटर इज सप्लाइड फ्रॉम द ट्रीटमेंट प्लांट एट अ यूनिफॉर्म रेट ऑफ एलेवन पॉइंट टू फाइव मिलियन लीटर पर आवर पंप जो है हमारा ऑपरेट कर रहा है इलेवन पॉइंट टू फाइव मिलियन लीटर पर आवर पंप यूनिफॉर्म रेट से ऑपरेट कर रहा है कभी हमारा डिमांड एक्सेस में होगा कभी हमारी सप्लाई एक्सेस में होगी तो जब आपकी सप्लाई एक्सेस में हो तो कहीं ना कहीं हमें उसे स्टोर करना है और जब आपकी डिमांड एक्सेस में हो जाएगी तो हमें सरप्लस में सप्लाई चाहिए होगा तो मीन्स हमें एक स्टोरेज रिजर्वायर चाहिए जिसमें डिमांड ज़्यादा हो तो हम वाटर को स्टोर कर सकें और सॉरी जब डिमांड हमारा कम हो तो वाटर को स्टोर कर सके और जब आपकी क्या हो जाए डिमांड एक्सेस में हो जाए जो हमारे स्टोर वाटर है वहाँ से हम क्या कर सकें सप्लाई सिस्टम में जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है उसमें क्या करें हम ऐड कर सकें सो so, जो हमारा पंपिंग रेट uh, है वो है 11.25 मिलियन लीटर पर आवर फॉर ऑल द 24 फोर आवर्स मीनस ट्वेंटी फोर आवर के लिए आपका पंप जो है यहाँ पे ऑपरेट कर रहा है हमें करना क्या है फाइंड आउट द कैपेसिटी ऑफ द रिजर्वायर रिक्वायर्ड फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर हमें क्या करना है इस्टिमेट करनी, करनी है कैपेसिटी एस्टिमेट करनी है रिजर्वायर की और इसके साथ साथ हमें यह भी एज्यूम कर लेना है कि उस पर्टिकुलर टाइम uh, में कोई भी लॉस नहीं है uh, और ना तो कोई भी विड्रॉल है आपके ट्रंक मेन से ओके सो so, ये प्रॉब्लम है सो so, अब यहाँ पे हमें सबसे पहले इस्टिमेट क्या करना है जाहिर सी बात है हमने ये बात आ, की थी कि जब हम मास कर प्लॉट करेंगे तो हमें क्या चाहिए यहाँ पे कॉमोलेटिव वैल्यूज़ चाहिए कॉमोलेटिव वैल्यूज़ बट यहाँ पे जो ये सारी वैल्यूज़ दी गई हैं ये इंडिविजुअल बेसिस पे दी गई है तो हमें क्या चाहिए हमें ये चाहिए उस पर्टिकुलर एरिया में इंडिविजुअल बेसिस पे वैल्यूज़ नहीं चाहिए मीनस जो पूरी पॉपुलेशन है वो कितना वाटर कंज्यूम कर रही है तो सबसे पहले हमें ये इस्टिटमेट करने की ज़रूरत है सो so, जो हमारा पॉपुलेशन है वो है वन बिलियन सो वन मिलियन और जो पर कैपिटा डिमांड है दैट इज़ टू सेवेंटी सो हमारा जो टोटल डेली सप्लाई वो कितना हो जाएगा टू हंड्रेड सेवेंटी मिलियन लीटर पर डे मींस हमें जो वहाँ पे सप्लाई इंश्योर करानी है दैट इज़ टू हंड्रेड सेवेंटी मिलियन लीटर पर डे अब हम करेंगे क्या मास्क कर बनाने के लिए जाहिर सी बात है हमें सप्लाई लाइन बनानी है और डिमांड लाइन बनानी है और दोनों को सुपर इम्पोज कर देना है सो so, सबसे पहले हम क्या करें डिमांड uh, लाइन बनाने के लिए हमें क्या चाहिए हर एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए डिमांड्स की वैल्यू चाहिए तो हमारे पास जो टाइम था वो कुछ इस तरीके से फेस कर दिया गया था डिफरेंट फेजेस में और इन डिफरेंट फेजेस के करस्पॉन्डिंग आपको यहाँ पे पर कैपिटा की डिमांड दे दी गई ठीक है हाँ इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में जो डिमांड है वो कुछ इस तरीके से है नाइन्टी लीटर पर कैपिटा फिफ्टी फोर लीटर पर कैपिटा एटी वन ट्वेंटी सेवन एटीन लीटर पर कैपिटा इसके बाद क्या करना है अगेन मैंने ही बोली कि हमें पर कैपिटा के रिस्पेक्ट में बात नहीं करनी है हमें बात करनी है उस एरिया के रिस्पेक्ट में सो so, एरिया जो है उसकी पॉपुलेशन कितनी है जो सिटी है उसकी पॉपुलेशन कितनी थी सिटी की पॉपुलेशन आपको यहाँ पे देखने को मिल रही थी वन मिलियन यही आपको क्वेश्चन में भी दिया गया था सो so, अब पॉपुलेशन कॉरस्पॉन्डिंग टू वन पर्सन दिया गया नाइन्टी सो वॉट दैट इज सॉरी दैट इज डिमांड डिमांड कॉरस्पॉन्डिंग टू वन पर्सन इज नाइन्टी सो कॉरेस्पॉन्डिंग टू वन मिलियन कितना हो जाएगा नाइन्टी मल्टीप्लाइड बाई वन मिलियन सो दैट विल बी द नाइन्टी मिलियन लीटर तो यहाँ पे क्या है हमारा जो डेली कंजम्पशन है वो मिलियन लीटर्स में है

फिफ्टी फोर सो दैट विल बी वन फोर्टी फोर उसके बाद थ्री पी एम टू नाइन पी एम की बात करेंगे तो जो ऊपर की तीन वैल्यूज हैं उनको ऐड कर देंगे मीन्स ये कैसे आपको देखने को मिला होगा दैट विल बी इक्वल टू वन हंड्रेड फोर्टी फोर प्लस एटी वन दैट गि अस टू हंड्रेड ट्वेंटी फाइव उसके बाद क्या करेंगे हम फर्दर ऐड कर देंगे टू हंड्रेड ट्वेंटी फाइव प्लस ट्वेंटी सेवन तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा टू हंड्रेड फिफ्टी टू और लास्ट में क्या होगी सारी वैल्यूज का समेसन मिस 252 प्लस 18 दैट गिव्स यू 270 सेवेंटी मीन्स हमें क्या है कम्बलेटिव डिमांड्स पता चल चुकी है मीन्स अब हम क्या कर सकते हैं अगर हम इस टाइम पीरियड को यूज़ करें इन डिमांड्स को यूज़ करें तो क्या हम अब डिमांड लाइन बना सकते हैं ऑब्वियसली बात है अब हम डिमांड लाइन बना सकते हैं मीन मास कर का हमें डिमांड कर पता चल चुका है यहाँ पे आप क्या करोगे सा अगेन कोई काम नहीं हमें क्या करना है यहाँ पे जो कम्युनिटी वैल्यूज है डिमांड की वो रिप्रेजेंट कर लिया उसके बाद यहाँ पे टाइम रिप्रेजेंट कर लिया और हमने यहाँ पे एक कब बना दिया मींस यहाँ पे आपका स्टार्टिंग टाइम यहाँ पे फाइव फर्दर आप यहाँ पे बढ़ते बढ़ते पहुंचोगे अगेन वापस यहाँ पे फाइव पे सो so, ये हमारा क्या होगा टाइम स्पैन हो जाएगा और उसके बाद क्या करेंगे इन पे आ, यहाँ से स्टार्ट करेंगे मीन्स इस पर्टिकुलर टाइम में क्या है मीन्स जस्ट बिगनिंग ऑफ मीन्स अभी आपका पंप स्टार्ट नहीं हुआ है so, सो उस केस में जाहिर सी बात है हम एज इट इज़ उसको जीरो रिप्रेजेंट करेंगे मीन्स यहाँ की जो वैल्यू होगी हम उसको एज इट इज़ जीरो लिख लेंगे लेकिन जैसे ही हम फाइव से लेके इलेवन तक पहुँचेंगे तो यहाँ की वैल्यू कितनी हो जाएगी नाइन्टी उसके बाद आपका कहीं वन फोर्टी फोर उसके बाद टू हंड्रेड ट्वेंटी फाइव अगेन टू ट्वेंटी फाइव टू फिफ्टी टू सो ऑन टू सेवेंटी कुछ इस तरीके का मींस हम एक रफ जो है पॉइंट्स को मार्क कर सकते हैं उसके बाद हमें कुछ ऐसा डायग्राम मिल जाएगा मीन्स बेसिकली ये क्या है हमने ही पता था फर्स्ट जो टाइम फेज था आपका फाइव टू इलेवन इलेवन टू थ्री थ्री टू नाइन नाइन टू ट्वेल्व एंड अगेन ट्वेल्व टू फाइव सो पहली वैल्यू आपने यहाँ मार कर ली उसके बाद हम लोगों ने दूसरी वैल्यू यहाँ मार कर ली जो कि कमोलेटिव लिखा था ये थर्ड ये फोर्थ और ये फिफ्थ ये हम लोगों ने पाँचों पॉइंट को यहाँ पे मार्क कर लिया और ये पाँचों पॉइंट में जो लास्ट वैल्यू थी अगर हम ये देखें तो यहाँ पे आपको 270 मिला था इसके साथ साथ हम जब फर्दर बात करें हमारा जो दूसरा पॉइंट लोकेट करना था या दूसरा जो लाइन बना दैट इज़ और सप्लाई लाइन सप्लाई लाइन में जो हमारा पम्पिंग डेट था वो कितना दिया गया था आपको इलेवन पॉइंट टू फाइव मिली लीटर पर आर मीन्स हमारी पंपिंग की जा रही है वो की जा रही है इलेवन पॉइंट टू फाइव मिली लीटर पर आर से तो ये जो आपका बनेगा सप्लाई लाइन बेसिकली हम इसको कैसे प्लॉट कर सकते हैं यहाँ जीरो फर्दर पर आर में आप एलेवन पॉइंट टू फाइव ऐड करते रहिए और फाइनली आप जब यहाँ पर पहुँचेंगे तो ये वैल्यूज हो जाएगी एलेवन पॉइंट टू फाइव इंटू ट्वेंटी फोर तो ये भी आपको टू सेवेंटी मिल जाएगी और दूसरा ऑप्शन ये है कि आप एक काम करिए लाइन प्लॉट कर दीजिए उस लाइन का स्लोप कितना होना चाहिए 11.25 क्यों क्योंकि मीन्स फर्स्ट आवर से सेकेंड आवर में हमारा जो टाइम पीरियड मीन्स अगर हम बोलें कि आप फर्स्ट से सेकेंड पहुँच रहे हो जीरो से इलेवन पॉइंट टू फाइव फर्दर फर्स्ट टू पे पहुँच रहे हो तो इलेवन पॉइंट टू फाइव से फर्दर नेक्स्ट इलेवन पॉइंट टू फाइव तो मीन्स जो स्लोप होना चाहिए उस पर्टिकुलर लाइन का इलेवन पॉइंट टू फाइव होना चाहिए तो अगर हम इस पूरे जो ग्राफ में देखें जो कि आपके सामने स्क्रीन पर विजिबल है तो बेसिकली हमें यह देखने को मिलता है कि ये पूरे ट्वेंटी फोर आर में कोई भी एक ऐसा पॉइंट नहीं दिख रहा है जब आपकी पंपिंग जो है एक्सेस में हो गई हो आप स्टार्टिंग से देखिए फाइव से फाइव एम अगेन मॉर्निंग फाइव एम नेक्स्ट डे मॉर्निंग फाइव एम क्या है हर एक पॉइंट्स पे आपका जो डिमांड है वही एक्सेस में है इट मींस हम ये बोल सकते हैं यहाँ पे ए और बी में से एक वैल्यू ज़ीरो होगी और वो वैल्यू क्या होगी एक्सेस सप्लाई की मीन्स हमारा जो एक्सेस सप्लाई है वो ज़ीरो मिलन लीटर है इसके बाद हमें जो एल कैलकुलेट करना है यहाँ पे अब हमें चाहिए वैल्यू बी की दैट इज़ योर एक्सेस ऑफ़ द डिमांड अब हम एक्सेस ऑफ़ डिमांड की बात करें तो हमें इस ग्राफ में ये देखना पड़ेगा कि वो कौन सा पॉइंट है जहाँ पे कि आपकी डिमांड जो है एक्सेस में है और भी वो एक्सेस में कैसी वैल्यू वैल्यू है मैक्सिमम वैल्यू तो हम वो अगर इस्टिमेट करें तो यहाँ से हमें देखने को ये मिलता है कि मैक्सिमम ऑर्डिनेट आपको इस पॉइंट पे दिख रहा है मिस एट टाइम जब आपका 9 पीएम हो रहा है और वो वैल्यू क्या है 41 बिलियन लीटर है तो इट मीन्स अब हमें बी पता चल चुका है दैट इज योर फोर्टी वन वैलू हम क्या करेंगे इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा रिक्वायर्ड स्टोरेज कैपेसिटी मीन्स जो आप डिस्ट्रीब्यूशन रिजर्वा की स्टोरेज की बात करोगे वो कितना आ रहा है यहाँ पे कैलकुलेट करने पे फोर्टी वन मिलियन लीटर कमिंग टू अवर नेक्स्ट न्यूमेरिकल यहाँ पे क्या है बेसिक जो इससे पहले हम लोगों ने न्यूमेरिकल देखा वहाँ पे हम लोगों ने डिफरेंट टाइम फेजेज में एक वैल्यूज़ देखा कि कभी आपकी जो डिमांड है वो नाइन्टी एल पी सी है या जो हम सप्लाई दे रहे हैं वो 90 एल की दे रहे हैं लीटर पर कैपिटा की दे रहे हैं यहाँ पे क्या है जो हमारा डेली सप्लाई है उसको हम लोगों ने परसेंटेज में डिस्ट्रीब्यूट कर रखा हुआ है तो क्या है फॉर द वाटर सप्लाई ऑफ अ स्मॉल रूरल टाउन विद द डेली रिक्वायरमेंट ऑफ टू लैख मींस जो डेली रिक्वायरमेंट है वो टू है इट इज़ प्रपोज टू कंस्ट्रक्ट अ डिस्ट्रीब्यूशन रिजर्वायर हमें एक डिस्ट्रीब्यूशन रिजर्वायर कंस्ट्रक्ट करना है जो पैटर्न है वाटर का वहाँ से विद्रॉ करने का वो कितना है वो कुछ इस तरीके का है सेवन ए एम टू एट ए एम थर्टी परसेंट ऑफ डेली सप्लाई जो डेली सप्लाई उसका थर्टी परसेंट यहाँ पर हम क्या कर दे रहे हैं विद्रॉ कर दे रहे हैं एट एम टू फाइव पी एम में थर्टी फाइव परसेंट फाइव पी एम टू सिक्स थर्टी पी एम में हम थर्टी परसेंट और सिक्स थर्टी पी एम टू सेवन ए एम में फाइव परसेंट ऑफ द डेली सप्लाई मिस कुछ इस तरीके से वहाँ से वाटर विदड्रॉ किया जा रहा है और जो पम्पिंग की जा रही है वो ट्वेंटी फोर आवर्स के लिए नहीं की जा रही है वो की, की जा रही है एट आवर्स के लिए की जा रही है मीनस हम लोग एट एम से पंप स्टार्ट करें और फोर पी एम तक आपका पंप जो है ऑपरेशनल मोड में है मीन पंपिंग जो है कैसी है इंटरमीडियन पंपिंग है हमें इस्टीमेट करना है यहाँ पे कैपेसिटी स्टोरेज रिजर्वा की सो so, ज़ाहिर सी बात है अगेन हमें कैलकुलेट क्या करना है डिमांड uh, लाइन बनानी है और सप्लाई लाइन बनानी है तो जाहिर सी बात है यहाँ पे जो सप्लाई लाइन बनने वाली वो 24 घंटे के लिए नहीं बनेगी सिर्फ और सिर्फ एट आवर्स so, के लिए बनेगी तो सबसे पहले हमें कम्योलेटिव डिमांड्स की वैल्यूज चाहिए अब क्योंकि हमने ये देखा है जो टोटल रिक्वायरमेंट है कितनी थी टू लैख ट्वेंटी फाइव थाउजेंड लीटर सो इसको अगर हम कन्वर्ट करें किलो लीटर्स में देन इट विल बी टू टू हंड्रेड ट्वेंटी फाइव किलो लीटर्स उसके बाद क्या करा हम लोगों ने पीरियड्स हैं ये दे रखे हैं टाइम पीरियड दे रखे हैं रेट ऑफ डिमांड दे रखा हुआ है अब क्योंकि परसेंटेज में है इनको हम लोग न्यूमेरिक वैल्यूज में कैलकुलेट कर कन्वर्ट uh, करने वाले हैं सो टू ट्वेंटी फाइव मल्टीप्लाइड बाई जीरो पॉइंट थ्री ज़ीरो मीन्स हमारा जो यहाँ परसेंटेज है उनको मल्टीप्लाई करेंगे नेक्स्ट वन भी मट्टीप्लाइड बाई जीरो पॉइंट थ्री फाइव दट विल जीरो पॉइंट थ्री एंड जीरो पॉइंट फाइव इन सबको हमने क्या किया मल्टीप्लाई किया मल्टीप्लाई करने के बाद हमें क्या मिल गई डिमांड्स मिल गई लीटर्स में अभी इससे पहले जो हमारी डिमांड्स दी गई थी वो रेट दिया गया था अब हम लोग को वैल्यूज़ के फॉर्म में मिल गई मीस लीटर्स के किलो लीटर्स के फॉर्म में मिल गई अब कमलेटिवली डिमांड की बात करेंगे तो हमें क्या करना है इन वैल्यूज़ को फर्दर जैसे कि पुराने वाले न्यूमेरिकल में पिछले वाले न्यूमेरिकल में हमने क्या किया था ऐड किया था सिक्सटी सेवन पॉइंट फाइव नेक्स्ट वन विल वॉट समेशन ऑफ सिक्सटी सेवन पॉइंट फाइव प्लस सेवेंटी एट पॉइंट सेवन फाइव थर्ड वैल्यू विल बी समेशन ऑफ ऑल थ्री वैल्यूज एंड फोर्थ वैल्यू विल बी समेशन ऑफ ऑल फोर वैल्यूज तो हमें ये देखने को मिलता है कि कम्योटि डिमांड हमारी किलो लीटर में सिक्सटी सेवन पॉइंट फाइव वन हंड्रेड फोर्टी सिक्स पॉइंट टू फाइव और टू हंड्रेड थर्टीन पॉइंट सेवन और टू ट्वेंटी फाइव आपको ऑब्जर्वेशन के फॉर्म में मिल जाती है अब क्या करेंगे ये हमारा टाइम पीरियड और ये हमारा कम्योलेटी डिमांड किलो लीटर में है इसको क्या करेंगे प्लॉट करेंगे और हमें क्या मिल जाएगी आपकी डिमांड लाइन मिल जाएगी इसके बाद हमें जो दूसरी लाइन प्लॉट करनी है दैट इज ऑ सप्लाई लाइन अब सप्लाई लाइन में जब पंप क्या बोला है कि आपका जो पंप ऑपरेट कर रहा है वो एट आवर्स के लिए कर रहा है रेट नहीं दे रखा है बट पर पम्प हमारा एट आवर्स के लिए ऑपरेट कर रहा है तो अब हमें क्योंकि जो पंपिंग की भी जब बात करेंगे तो उसमें हमें प्लॉट क्या करना है सप्लाई लाइन बनानी है सप्लाई लाइन वैल्यूज़ अगेन एक एक घंटे की एड होंगी और जो फाइनली पंप हमारा कितना वाटर सप्लाई करे वो कितना होगा दैट जो हमारी रिक्वायरमेंट है उसके बराबर होगा तो पंप को कितना वाटर सप्लाई करना है किलोलीटर हंड्रेड सप्लाई करना है कितने टाइम में करना है आपको एट आवर्स में करना है और ये आपका जो है टाइम पीरियड है ऑफ तो पंपिंग कितनी होगी ट्वेंटी एट पॉइंट वन टू फाइव या तो आप दूसरा काम ये कर सकते हो मीन्स हम जब स्टार्ट करेंगे अपने सप्लाई लाइन को प्लॉट करना मीस अगर हम ये बात करें कि आप यहाँ पे ये सेवन है ये आपका यहाँ पे एट ए एम है जहाँ से आपकी कब स्टार्ट होगी सप्लाई लाइन की यहाँ से तो स्टार्ट नहीं होगी क्योंकि पंप ऑपरेट करना शुरू कर है यहाँ से तो हम क्या करेंगे यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे और उस स्ट्रेट लाइन का जो स्लोप होना चाहिए वो होना चाहिए ट्वेंटी और उसके बाद उन दोनों कब्ज को सुपर इम्पोज कर देंगे तो बेसिकली कुछ ऐसा कब देखने को मिलेगा ये क्या है आपकी सप्लाई लाइन है जो कि जाहिर सी बात है आपकी एट एम से स्टार्ट हो रही है और यहाँ पे मिस फोर पी पे आपका पंप ऑपरेट करना बंद कर दे रहा है तो मीनस ये यह आपका यहाँ पे क्या मिल चुका है सप्लाई लाइन मिल चुका है इसके बाद हम क्या करेंगे डिमांड लाइन जो कि प्लॉट करेंगे मीस हम लोगों ने डिफरेंट डिफरेंट टाइम पीरियड के बाद वैल्यूज़ कैलकुलेट की थी हमने यहाँ पे इस्टिमेट कर लिया था ये वैल्यू इस्टिमेट कर ली थी उसके बाद ये वैल्यू इस्टिमेट कर ली थी और ये वैल्यू मिस हमने uh, चार डिफरेंट वैल्यूज इस्टिमेट की थी जस्ट अगर हम ये देखें कि सेवन से एट के करस्पॉन्डिंग सिक्स से सेवन पॉइंट फाइव है एट टू फाइव के करोस्पॉन्डिंग वन फोर्टी सिक्स पॉइंट टू फाइव है फाइव टू सिक्स थर्टी के बाद टू हंड्रेड थर्टीन है और टू ट्वेंटी फाइव है सो so य चारों वैल्यूज़ को हम लोगों ने किया इस ग्राफ पे मार्क कर लिया है मार्क करने के बाद इन सबको हम ज्वाइन कर देंगे तो कुछ इस तरीके का आपका क्या हो जाएगा हमें डिमांड लाइन मिल जाएगी अगर हम इस डिमांड लाइन और सप्लाई लाइन को कंसीडर करें तो हमें यहाँ पे ये देखने को मिलेगा कि सप्लाई भी एक्सेस में है और आपका डिमांड भी एक्सेस में है तो जब सप्लाई एक्सेस में है उनके हम मैक्सिमम ऑर्डिनेट की बात कर लें जब आपका डिमांड एक्सेस है उनके मैक्सिमम ऑर्डिनेट की बात कर लें और फर्दर उन दोनों को ऐड कर दे तो हमें टोटल कैपेसिटी मिल जाएगी सो यहाँ पे क्या है ये एक ऐसा पोर्सन है जिसमें हमें ये देखने को मिल रहा है ये क्या पोर्सन है ये वो वाला पोर्सन देखने को मिल रहा है जिस केस में आपका क्या है डिमांड जो है एक्सेस में है सो डिमांड एक्सेस में है सो so, इसमें हम मैक्सिमम ऑर्डिनेट जो एनालाइज करने के बाद मिलता है दैट इज योर सिक्सटी सेवन पॉइंट फाइव किलो लीटर ओके सिक्सटी सेवन पॉइंट फाइव किलो लीटर मिल रहा है और इस पोर्शन की बात करें तो यहाँ से क्योंकि पंप जो है आपकी इसी पूर्व टाइम पीरियड के लिए चल रहा है जब आपका सप्लाई क्या है एक्सेस में उसमें से हम मैक्सिमम वैल्यू एस्टिमेट करें तो आपको यहाँ से मिल जाती है वैल्यू दैट इज़ एटी एट किलो लीटर सो so, मीन्स हमें ए भी पता है बी भी पता है मीन्स मैक्सिमम एक्सेस सप्लाई भी पता है मैक्सिमम एक्सेस डिमांड भी पता है इन दोनों को फर्दर ऐड कर दिया तो हमें क्या मिल गया आपकी टोटल स्टोरेज जो रिक्वायर्ड है वो वाली वैल्यू मिल जाती है नेक्स्ट न्यूमेरिकल है जो कि एक अगेन एक सिटी है जिसकी पॉपुलेशन दी गई है टू लैक है इसे वाटर की सप्लाई करनी है एट अ रेट ऑफ वन एटी लीटर्स पर पर्सन पर डे और जो हमारा वेरिएशन है वो दे रखा हो कुछ इस तरीके से कि जब ज़ीरो से एक मीन फ्रॉम ज़ीरो टू वन जो परसेंटेज है एवरेज फ्लो का फिफ्टीन है वन टू टू फिफ्टीन है टू टू थ्री फिफ्टीन है थ्री टू फोर ट्वेंटी टू फाइव ट्वेंटी फाइव मीस टाइम के करस्पॉन्डिंग आपको क्या दे रखा है परसेंटेज दे रखा है एवरेज आर्ली फ्लो का जो कि उस समय अकर हो रहा है हमें क्या करना है हमें कैलकुलेट करना है कैपेसिटी किसके लिए जब आपका पंप ट्वेंटी फोर आवर ऑपरेट कर रहा है और जब आपका पंप लिमिटेड टाइम के लिए ऑपरेट कर रहा है जो लिमिटेड टाइम है वो आप देख रहे हो कि दो डिफरेंट पार्ट्स में ब्रेक किया गया है फाइव ए एम टू इलेवन ए एम और टू पी एम टू एट पी एम मीन ये ब्रेक फॉर्म है तो इस तरीके से आपका पंप ऑपरेट कर रहा है मास्क मेथड से हमें हमेंट करना है जाहिर सी बात है ये क्या है यकीन आप देखोगे परसेंटेज के फॉर्म में दिया गया तो हमें क्या करना है अपने उस पर्टिकुलर टाइम के डिमांड को वहल उस कैलकुलेट करनी है हमें सबसे पहले ये पता चल जाए कि डेली सप्लाई कितनी है तो पॉपुलेशन टू लैक दे रखा हुआ है पर कैपिटल डिमांड वन एटी है तो हमारी जो डेली सप्लाई होगी कितनी होगी थर्टी सिक्स मिलियन और जो हमारा डिमांड होगा वो कितना होगा वन पॉइंट फाइव मिलियन लीटर मीन्स हमारी जो डिमांड है दैट इज़ वन पॉइंट फाइव मिलियन लीटर अब जो हम यहाँ पर करने वाले हैं वो सबसे पहले टाइम पीरियड्स परसेंटेज ऑफ एवरेज आली फ्लो अब इस पर्टिकुलर टाइम में कितना वाटर आपका वहाँ पे कंज्यूम हुआ होगा उसको कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे हम लोग क्योंकि ये परसेंटेज वैल्यू दे रखी है तो जाहिर सी बात है कॉलम टू को हंड्रेड से डिवाइड करेंगे और उसके बाद आप मल्टीप्लाई किससे करने वाले हो वन पॉइंट फाइव से क्योंकि हमारा जो डिमांड आ रहा था वो कितना आ रहा था दैट इज़ वन पॉइंट फाइव सो इससे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें यहाँ पर एवरेज आली डिमांड मिल जाएगी मिलियन लीटर में फर्दर उसके बाद करेंगे क्या इनको कम्योलेटि हम ऐड कर लेंगे ऐड करने के बाद आपको जस्ट एक और वैल्यूज मिल जाएंगे अब हम ये बोल सकते हैं कि आपके पास टाइम पीरियड पता है कम्योलेटिव डिमांड्स पता है तो क्या हम अब आप यहाँ पे डिमांड लाइन प्लॉट कर सकते हैं ऑबियस सी बात है हम डिमांड लाइन प्लॉट कर सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन नाइन टू टेन टेन टू इलेवन इलेवन टू ट्वेल्व सो ऑन आप ट्वेंटी थ्री से ट्वेंटी फोर मीन्स हम लोगों ने इन सारी वैल्यूज़ को क्या कर लिया यहां पे ग्राफ पे मार्क किया मार्क करने के बाद इन सब को कर दिया तो हमें यहां से मिल जाएगी क्या डिमांड लाइन उसके बाद क्या करेंगे अब सप्लाई लाइन की बात करें। तो पंप कैसे है? पहले वाले केस में जब आपका पंप ट्वेंटी फोर ऑपरेट कर रहा है तो जाहिर सी बात है ऑपरेट कर, कर रहा है तो हमारा रेट ऑफ सप्लाई कितना थर्टी सिक्स डिवाइड बाई ट्वेंटी फोर दैट विलियंटर पर आवर अब डिमांड लाइन ऑलरेडी नोन है सप्लाई लाइन के लिए हमें रेट ऑफ पंपिंग पता है तो हम क्या कर सकते हैं सप्लाई लाइन ईजिली प्लॉट कर सकते हैं और उस सप्लाई लाइन का स्लोप कितना रखना है 1.5 स्लोप रखना है और स्लोप के बाद उस स्लोप की एक लाइन ड्रॉ की और उसके बाद उन दोनों को सुपर इम्पोज़ किया तो हमें रिज़ल्ट में एक कर्व मिलेगा इसके बाद हमें क्या करना है ये देखना है कि एक्सेस में डिमांड कब है और एक्सेस में सप्लाई कम है तो ये वो वाला फोर्स है जिस केस में आपको ये देखने को मिल रहा है कि सप्लाई एक्सेस में है और ये वो वाला पोर्शन है जिस केस में आपको डिमांड एक्सेस में दिख रही है तो हमने क्या किया यहाँ पे एक्सप्रेस सप्लाई इस्टिमेट की तो वो आपको 7.35 मिलियन लीटर मिल गया और यहाँ से हमने एक्सेस में डिमांड एस्टिमेट किया तो जो आपको 2.4 मिलियन लीटर मिल गया फर्दर क्या किया इन दोनों को हम जब ऐड कर रहे हैं तो हमें क्या मिल जा रही है टोटल स्टोरेज रिक्वायर्ड मिल जा रहा है और टोटल स्टोरेज रिक्वायर्ड क्या हो जाएगा सेवन प्लस टू दैट विल बी एक्वल्स टू नाइन पॉइंट तो बेसिकली हमें यहाँ पे 9.75 जो है मिलियन लीटर क्या मिल जा रहा है आपका टोटल स्टोरेज रिक्वायर्ड मिल जा रहा है नेक्स्ट है जब हम पंपिंग कितने टाइम के लिए कर रहे हैं जो है लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए मिस इंटरमीडियट पंपिंग कर रहे हैं तो अब यहाँ पे जो डिमांड लाइन है वो तो नहीं चेंज होने वाली है क्योंकि जो लोगों की डिमांड है वो एज़ टाइम के करस्पॉन्डिंग परसेंटेज के फॉर्म में सेम है उसको हम लोगों ने न्यूमेरिक फॉर्म में ऑलरेडी क्या कर रखा है कन्वर्ट कर रखा है और इसकी कमोलिटी वैल्यूज़ भी हम लोगों ने इस्टीमेट कर रखी है तो बेसिकली हमारा जो डिमांड लाइन है वो एज़ इट इज़ ही रहेगा बस हमारा जो चेंज होगा वो सप्लाई होगा क्यों होगा उसके पीछे भी रीज़न है कि पुराने वाले केस में पहले वाले केस में ट्वेंटी फोर आवर लिए पंपिंग की जा रही है सेकेंड वाले केस में जो पंपिंग की जा रही है वो इंटरमीडियन पंपिंग की जा रही है फाइव एम टू इलेवन एम एंड फर्दर टू पी टू एट पी सो अगर हम ये यहाँ पर देखें कि फ़ाइव एम टू इलेवन एम टू पी टू एट पी तो यहाँ पर हमारा जो पम्पिंग ड्यूरेशन है वो कितना है सो so, अब हमें क्या करना है फाइव से लेके कर इलेवन के बीच में टाइम मेजर कर लेना कि कितने आर क्लीवर है कितना आर है यहाँ पे और टू पी एम से एट पी एम तो हमें ये देखने को मिल रहा है कि मींस यहाँ पे सिक्स आरस हैं यहाँ पे छः आर है और यहाँ पे भी आपके पास छः आर है मींस हम लोगों ने पंपिंग की दो डिफरेंट टाइम पे और डिफरेंट टाइम जो थे उनका ड्यूरेशन कितना था सिक्स आर और सिक्स आर मीन्स हम अगर एक दिन की बात करें तो उस पूरे दिन में जो हमारी पंपिंग हुई होगी वो कितने टाइम के लिए होगी सिक्स प्लस सिक्स मींस दैट इज़ योर ट्वेल्व आवर मीन्स हमने ट्वेल्व आर की पंपिंग की है जो वहाँ पे हमारी रिक्वायरमेंट है वो कितने की है थर्टी सिक्स मिलियन लीटर की अगर थर्टी सिक्स मिलन लीटर की रिक्वायरमेंट है पंपिंग कितने टाइम के लिए जा रही है ट्वेल्व आवर के लिए की जा रही है तो रेट ऑफ सप्लाई कितना होना चाहिए दैट विल बी इक्व टू थर्टी सिक्स बाई ट्वेल्व वो हमारा बराबर हो जाएगा इक्वल्स हो जाएगा थ्री मिलीटर पर आवर मीन्स हमें क्या करना है यहाँ पे थ्री मिलीटर पर आवर की सप्लाई इंश्योर करानी है सो डिमांड लाइन जो कि ऑलरेडी हम लोगों ने प्लॉट कर रखा हुआ है फर्स्ट पार्ट में यही सेम काम किया हम लोगों ने इसके बाद हमें जो चाहिए चाहिए आपको सप्लाई लाइन सो सप्लाई लाइन अगेन क्योंकि पंपिंग जो की जा रही है वो दो डिफरेंट टाइम पीरियड्स के लिए की जा रही है तो आपको यहाँ पे दो सप्लाइंस देखने को मिल रही है दो सप्लाई लाइन एक तो ये है और दूसरी ये है क्यों क्योंकि जब फर्स्ट टाइम पंपिंग स्टार्ट कर रहे हैं तो फाइव से एम स्टार्ट कर रहे हैं और इलेवन ए ए एम पे आप अपने पंप को क्या कर रहे हो स्टॉप कर दे रहे हो तो ये हमने पहली सप्लाई लाइन बना ली और इस सप्लाई लाइन में जो आपका स्लोप होगा वो कितना होगा थ्री मीन्स हमने क्या किया इसका स्लोप थ्री रखा है सो थ्री मिलीटर पर आवर आपका आपका ये लाइन का स्लोप होगा उसके बाद जब हम दूसरी टाइम पंपिंग कर रहे हैं तो टू पी से स्टार्ट हो रही है और उसके बाद फर्दर कहाँ तक जा रही है एट पी पे जा रही है मीन्स हम लोग एट पी पे दोबारा पम्प को क्या कर रहे हैं मोड में ले आ रहे हैं सो so, टू से हमने स्टार्ट किया और एट तक पहुँच रहे हैं। इस लाइन की भी स्लोप क्या होगी थ्री मिली पर आवर होगी इस लाइन को प्लॉट किया लाइन को प्लॉट करने के बाद हमें ये देखना है हैं कहाँ कहाँ आपकी डिमांड एक्सेस है कहाँ की सप्लाई एक्सेस है तो हमें अगर इस पूरे फ्रैक्शन की बात करें तो हमें दो चीज़ें देखने को मिल रही है ये वो वाला पोर्शन है जब आपका क्या है डिमांड एक्सेस है और इस पूरे पोर्शन में हमारी क्या है सप्लाई एक्सेस में है। और इस पोर्शन की बात करें तो यहाँ पर अगेन हमें देखने को मिल रहा है ये वाला फ्रैक्शन है जब आपकी सप्लाई एक्सेस है और ये वाला पोर्शन है जब आपकी डिमांड एक्सेस है तो हमारे पास बेसिकली ग्राफ दो पार्ट्स में मिल रहा है दोनों पार्ट्स में हो सकता है इसमें कुछ मैक्सिमम वैल्यूज मिले आपको किसकी सप्लाई की हो सकता है इसमें कुछ मैक्सिमम वैल्यू सप्लाई की सो so, इन दोनों में से पोर्स में से जो मैक्सिमम वैल्यू होगी हम उसको कंसिडर करेंगे तो जो मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है वो आपको यहाँ पे मिल रही है फोर पॉइंट थ्री फाइव और वो कहीं इस वाले पोर्शन में मिल रही इसके बाद हमें दूसरा पोर्शन मेजर करना है कब आपका डिमांड एक्सेस में है तो ये देखने को मिलता है कि एक पोर्शन तो आपको इस पार्ट में मिलेगा एक वैल्यू आपको इस पार्ट में मिलेगा इन दोनों में जब देखेंगे तो हमें जो मैक्सिमम वैल्यू मिलती है वो मिलती है आपको 1.35 मिलीलीटर मींस हमारा जो एक्सेस डिमांड है दैट इज 1.35 और जो हमारी एक्सेस सप्लाई दैट इज़ 4.35 सो इन दोनों को ऐड कर दिया तो हमें क्या मिल गई टोटल स्टोरेज जो रिक्वायर्ड है उसकी कैपेसिटी मिल गई सो so, ये न्यूमेरिकल्स थे बेसिकली ये डिफरेंट फॉर्म्स हैं जो कि हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया यूजिंग मास कर मेथड सो दीज ऑल आर द डिफ्रेंसेज थैंक यू दैट्स ऑल फॉर टूडे